दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल बिजनेस। मैं इमरान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, फोस्टर पेरेंटिंग के ऊपर है कि आपके कौन से कबूतर फोस्टर पेरेंट्स बन सकते हैं और किन कबूतरों को फोस्टर पेरेंटिंग करवाना चाहिए, और डमी एग जो होते हैं डमी एग का क्या रोल रहता है। ठीक है, डमी एग जो सब जगह आपको मिल ही जाते हैं, सब जगह आप देख रहे होंगे, कई लोग पूछते हैं इनका क्या क्या रोल है डमी एग्स का। तो फोस्टर पेरेंटिंग के अंदर डमी डमी एग्स कैसे आप इन्वॉल्व करें, ये डमी एक्स को उसके फायदे क्या क्या हैं और फोस्टर पेरेंटिंग के क्या क्या फायदे हैं, तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए जो दोस्त पहली बार चैनल पे आए, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बने रहे भोपाल बिजनेस पे। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको अपनी लॉफ्ट। और आज जो ये कबूतर है मेरे जो दिख रहे हैं, ये उड़ने वाले कबूतर, तो इनको आज बाहर निकालेंगे। तो आज इनको धूप दिखाई जाएगी, आज थोड़ी सी गर्मी अच्छी है, रात को तो ठंडक हो रही थी लेकिन अब आज गर्मी है, रात को बहुत तेज ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा है एकदम। तो चेंजेस होते जा रहे हैं टेम्परेचर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कुछ कबूतर हैं मेरे जो उड़ान पे लगे हुए भी हैं। ख़ास तौर से ये कबूतर जो देख रहे हैं आप, कितने बड़े साइज़ का कबूतर है लेकिन उड़ान भरपूर है इस कबूतर के अंदर। और ये 7 से 8 साल पुराना कबूतर है मेरा, सिर्फ मैंने जोड़ा काटने के लिए इसको इधर रखा था लेकिन वो अपने आप उड़ान पर लग गया, और इधर कुछ अपने आप पेयर्स भी लग गए थे। जैसे कि मैंने बताया था बारिश के अंदर मैंने सबको एक साथ रख दिया था नर मादिन को, और इधर अंडे भी दे दिए हैं और इधर तो शायद बच्चे भी निकल गया है। तो ये हमारा कमग्गर जोड़ा, ये देख सकते हैं आप, इसकी आँख भी देखिए। तो ये कमग्गर पेयर है मेरे, इधर दो पेयर रखे हुए हैं, बच्चा भी आ चुका है इनका। और एक कोने कोने में, सबसे कोने में जो बैठी हुई है कबूतरी, तो ये दो जोड़े कमग्गर के मैंने काट के रखे थे लेकिन वो वापस अपने आप खुद ही फिट हो गए, खुद ही लग गए और खुद ही अंडे बच्चे कर दिए। तो मैं चल चलने का, अब इधर इधर कुछ नहीं कर रहे हम चेंजेस, चलिए इनको तो खोल देंगे, अपने आप बाहर आ जाएंगे ये। और इनका दाना पानी एक ही टाइम चलता है दोस्तों, सिर्फ बाजरे के दाने पे हैं। तो आज छत भी थोड़ी गंदी हो रही है और रात को मैं धो नहीं पाया छत, रात को बहुत लेट नाइट कबूतरबाजी कर रहे थे, तो पूरी छत को आज धोना है। तो चलिए सबसे पहले हम छत को धोएंगे, उसके बाद फिर ब्रीडर कबूतर निकालेंगे और फिर आपको अंडों के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप देखिए गंदी हर जगह हो रही है। और जो ये प्लेट है दोस्तों, ये वाली जो ट्रे हैं फीडिंग ट्रे, इनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। जैसे ये भी गंदगी हो रही है इसके अंदर, ज़रा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, 15-20 मिनट पानी में गलाएंगे और सीधे धो देंगे इनको, ज़रा सा भी धुल जाती हैं ये, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी तो कबूतर अंदर है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप इधर हैं। तो चलिए सबसे पहले छत धो लूँ मैं, छत की सफाई कर लूँ, उसके बाद फिर कबूतर खोलेंगे। तो ये कबूतर बाहर आने लगे हैं हमारे, वो बहुत दिनों बाद धूप मिली है इन्हें, तो कई कबूतर तो इनमें अपने आप उड़ेंगे, अपने आप खुद दिखाऊंगा मैं कि कबूतर सिर्फ धूप दिखती है और तेज़ी से उड़ना चालू कर दे। खास तौर से ये कबूतरी लेके जाएगी हमें, ये जो कबूतरी ऊपर बैठी है कारसनी को लेके जाएगी और एक और कबूतरी को ऊपर लेके जाएगी। ये देखिए गई ना, ये सीधे उड़ गई, अब इसके आने का कोई भरोसा नहीं है, ये देख सकते हैं ये कबूतरी जो। तो दोस्तों इन कबूतरों को भी आज नहला दिया मैंने बाहर निकाल के, छत अभी आधी धुली है तो मैंने कहा पानी रख दूँ मैं, तो ये बीट वीट लगेगी इनकी और ये पानी निकलेगा गंदा, तो पहले नहला दें इनको। तो ये सब उड़ान पे लगे हुए कबूतर थे, तो क्या करें, नहलाने में अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा कबूतर अच्छे लगते हैं। वैसे जो उड़ने वाले कबूतर होते हैं उनको नहलाया नहीं जाता जब तक कि वो उड़ान पे लगे रहते हैं। तो इस सर्दी के अंदर 3 टूर्नामेंट हैं लेकिन इस बार पार्टिसिपेट करने के चांसेस नील बटा सन्नाटा हैं, कोई उम्मीद नहीं है कि पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि कबूतर उड़ा नहीं पा रहे। ये कबूतर आज 5 या 6 दिन के अंदर बाहर खुल के आए हैं, तो आज ये कबूतर सब नहाते हुए। तो चलिए छत और धोते हैं फिर कबूतरों को निकालते हैं। दोस्तों छत पूरी धुल चुकी है, साफ़ हो चुकी है, बाहर वाले कबूतर भी नहा चुके हैं और उन्होंने बीट वगैरह करना भी चालू कर दिया धुली धुलाई छत का। ठीक है, तो ये बच्चे भी बाहर आ चुके हैं, इधर छोटी सी जगह नीचे से मौजूद होती है तो ये बच्चे बाहर निकल निकल के आ जाते हैं। आप बच्चों का शौक कर लीजिए पहले, कैसे हैं बच्चे आप बताइएगा, क्योंकि सारे बच्चे बच्चे बाहर हैं आज, तो कासनी के 3-4 बच्चे 5 बच्चे बाहर आए और देख सकते हैं आप। और माशाल्लाह इस बार जो बच्चे निकाले हैं, क्योंकि 3-4 महीने के बाद ब्रीडिंग चालू करवाई थी मैंने, तो ब्रीडिंग पे खास तौर से फोकस कर रखा है मैंने, क्योंकि 3-4 महीने से मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, तो अब ब्रीडिंग ब्रीडिंग चालू है। ये उस्ताद के घर की नस्ल है हमारे, ये तीनों जो हैं, तो ये उस्ताद के जाएंगे इस बार। ये 5-6 कबूतर हमारे कल्सरे कबूतर, उन्होंने दिए थे कि बच्चे निकलवा के देना,
कि उनके भी कोशिश रहते तो इस बार मेरे आए तो ये बच्चे निकले। तो आप शौक कीजिए इन कासनी बच्चों का। ये हमारे जो फीके कासनी है, सफ़ेद कासनी, उनके बच्चे हैं ये। एक ये और एक और है, ये पीछे, ये खड़ा है पीछे, जिसकी दुम दिख रही है। ये सिर्फ सफ़ेद कबूतर हैं ये, लेकिन जब हाथ में लेंगे आप तब समझ में आएगा ये कासनी कबूतर हैं। तो कोशिश ये, बाकी ये पुरानी कबूतर हमारे। तो चलिए दोस्तों कबूतर खोलते हैं और शौक कीजिए आप कबूतरों का मेरे, और फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं अंडों का क्या रोल है और फोस्टर पेरेंटिंग का क्या रोल है। दोस्तों आ चुके हैं सारे कबूतर बाहर और बीट वगैरह सब साफ़ कर दी मैंने, जो भी बीट होती है जैसे आके करते हैं। तो आप शौक कीजिए इनका, ये सारे कबूतर बाहर आते हुए। और माशाल्लाह कासनी इस बार बहुत ज़बरदस्त निकले, आपने देखा ही होगा सारे बच्चे, सात आठ बच्चे हैं टोटल मिला के। तो वो सब बच्चे एक साथ जाएंगे, सात बच्चे हैं मेरे हिसाब से, तो सातों बच्चे एक साथ निकालेंगे, क्योंकि बच्चे जाके परफॉर्म भी कर देते हैं और जो परफॉर्मेंस करते हैं वो ब्रीडिंग में भी डाल देते हैं दोस्त। तो सात आठ बच्चे कासनी के इस बार। आप दोस्तों के लिए जाएँ तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपको पता है मेरा, व्हाट्सएप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों अपन चलते हैं अंडों की। फोस्टर पेरेंटिंग क्या होती है पहले तो ये बता दें। फोस्टर पेरेंटिंग ये होती है दोस्तों, फॉर एग्जांपल इस कबूतरी ने अंडे दे दिए, ठीक है, इस कबूतरी के अंडे अपन को ज़्यादा लेना है इसके बच्चे, तो करना क्या है, मान के चले ये इन्होंने भी अंडे दिए साथ में ही एक दो दिन के डिफरेंस पे, इस कबूतरी ने अंडे दिया आज, आज या कल में ये कबूतर अंडा दे देंगे, तो इसके अंडों को आप उठा के फेंक देंगे, कुछ भी एक्सवाइजेड कर लेंगे या खा लेंगे या फेंक देंगे या बच्चों को खिला देंगे, ठीक है। ताज़ा अंडे खिलाए जाते हैं बच्चों को, जिससे उनको सर्दी खांसी नज़ला ज़ुकाम नहीं होता, अपने बच्चों को, ठीक है, कबूतरों के बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को, ठीक है। और इसके अंडे उठा के अपन इसके अंदर रख देंगे, तो इसके बच्चे जो हैं ये पालेंगे बड़े होके, पूरे बड़ा कर देंगे, तो ये फोस्टर पेरेंटिंग इसे बोलते हैं, ये फोस्टर पेरेंट्स बन जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, हमेशा याद रखिए कि अच्छे कबूतर जो होते हैं, अच्छी नस्लदार कबूतर ही, अच्छी नस्लदार कबूतरों के नीचे बच्चे पलवाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कबूतर गोले हुए, फैंसी हुए या कुछ भी एक्स वाई जेड नस्लदार कबूतर नहीं हुए, तो जो फितरत होगी बच्चों की, जो पहला दूध पियेंगे क्रॉप मिल्क, जो पहले स्टार्टिंग के तीन चार दिन पीते हैं कबूतर या क्रॉप मिल्क पिलाते हैं बच्चों को, तो वो नस्ल जो दूध का असर आता है ना, पुराने ज़माने में देखा होगा दोस्तों कि जो राजा महाराजा होते थे उनके बच्चे, गांव की महिलाएं जो दाई होती थी, दाई उनके बच्चों को पालती थी, दूध पिलाती थी, जो मेहनत कश औरतें होती थी लेकिन अच्छी उसकी होती थी, तो उनके बच्चे वो दूध पिलाती थी, ठीक है। तो नस्लदार औरतों से ही बच्चे पलवाए जाते थे, बचपन में उनका दूध उनको पिलवाया जाता था ताकि बच्चे ताकतवर हो। तो ऐसे ही नस्लदार कबूतर होना चाहिए, क्योंकि दूध का असर कहीं ना कहीं बच्चा दिखाता है। अगर इनका ये नस्लदार कबूतर नहीं हुए, ये फैंसी कबूतर हुए, तो कहीं ना कहीं फैंसी बना उसके अंदर आएगा अपने ये बच्चों में, ठीक है। तो जो भाई दोस्त हैं ध्यान रखें, कहीं से भी कबूतर लेते हैं आप, अगर वो बच्चे फैंसी के नीचे पलवाते तो उनसे बच्चे ना लें। तो कई बार ऐसा होता है कि फैंसी के नीचे पलवाया जाता है, जो गुस्सा बबड़े कबूतर होते हैं ना, होमर टाइप के, उनसे बच्चे पलवाए जाते हैं, तो असरात हमेशा दूध के आते हैं। तो ये तो हो गई फोस्टर पेरेंटिंग, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा होता है, अब ये कबूतरी दोबारा अंडे 15 दिन के अंदर दोबारा रख देगी, अगर ये अंडा उठा के मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये कबूतरी दोबारा अंडे रख देगी। अब इसके लिए करना क्या है कि कबूतरी अगर कमजोरी में ना आए, लगातार अपन ने तीन बार अंडे बढ़ा दिए इसके, तो कबूतरी कमजोरी में आ जाती है हर 15 दिन में अंडे देते हुए, तो उसके लिए ये डमी एग्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अंडे उठा के ये आप डमी एग्स रख सकते हैं, ये डमी एग्स है सारे के सारे। तो होता क्या है, इनसे 20 से 25 दिन कबूतर अंडों पे बैठा रहता है, तो वो अपनी जो एनर्जी है जो उसने इन्वेस्ट करी है कबूतरी ने, वो एनर्जी रिगेन कर लेती है 20 से 25 दिनों में। 25 दिनों में बच्चा नहीं निकलता तो कबूतरी अंडों पे से हट जाती है और दोबारा फिर वापस ब्रीडिंग पे लग जाती है। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप नकली अंडे जो हैं इसके नीचे रख दें, इसके अंडे बढ़ा के दूसरी जगह रख दें, ठीक है, या फिर इसी से बच्चे निकलवाएं और तीन चार दिन ये जो डमी एग्स हैं ये फोस्टर पेरेंट के नीचे रख दें। तो फोस्टर पेरेंट क्या करेंगे, इनको सेते रहेंगे और तीन चार दिन इनका क्रॉप मिल्क पिला के अपने मेन कबूतरों का वापस उनके नीचे रख दें, ऊपर वालों के नीचे। तो क्या होगा, मेन जो नस्ल है अपनी उसके बच्चे जो हैं दूध भी इन्हीं का पियेंगे स्टार्टिंग का, जो क्रॉप मिल्क होता है, और उसके बाद इनका भी पियेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा ये। अब बात करते हैं डमी एग्स की, जो डमी एग्स होते हैं फोस्टर पेरेंटिंग, तो आप समझ गए ये डमी एग्स जो होते हैं ये कई काम के होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बहुत बड़ी लॉफ्ट है, इतनी बड़ी लॉफ्ट दिख रही है आपको, 90 से ज़्यादा पेयर्स हैं टोटल मिला के,
90 से ज़्यादा पेयर हैं इस लॉफ्ट के अंदर, प्लस अंडे बच्चे और वो अलग हटा दें तो करीब 200 से ऊपर ही कबूतर हो रहा है इस लॉफ्ट के अंदर। मेरा ये अली लॉफ्ट के अंदर 200 से ज़्यादा कबूतर हैं। तो ये अंडे जब बारिश आती है, ये डमी एग्स जब बारिश आती है तो बारिश के अंदर क्या होता है, जोड़े अलग कर देना चाहिए। कई दोस्त लोग ये बोलते हैं, ठीक है मैं भी चाहता हूँ कि जोड़े अलग कर दूँ, मैं नरों को अलग मादिनों को अलग 3-4 महीनों का रेस्ट दे दूँ, लेकिन क्योंकि मेरी लॉफ्ट बड़ी है नर मादिन अलग कहाँ करूँगा मैं, नरों को अलग और मादिनों को अलग। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही कोई कबूतरी अंडे देती है बारिश के अंदर, उनसे बच्चे नहीं लेना होते तो बारिश के अंदर क्या करता हूँ, यह डमी एग्स यूज़ करता हूँ मैं, जोड़ों को अलग ना करके उनको लगातार 3 महीने का रेस्ट ये डमी एग्स रख रख के 25 दिन तक इस अंडे पे बैठे रहते हैं, अट जाते हैं वो, उसके बाद नए अंडे देते हैं तो फिर डमी एग्स रख देता हूँ मैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कबूतरी जो है हमारे, मेरे कबूतर जो है ख़ासतौर से वो कमज़ोरी में नहीं जाते, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर मौसम के अंदर ये अंडे बच्चे करते रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था डमी एग्स का, जो कि एवनो गेमन ने कमेंट करा था फोस्टर पेरेंटिंग के ऊपर, तो उनके लिए था स्पेशली ये। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा और कुछ सीखने को मिला, आपके कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं रेगुलरली पर्सनल ब्लॉग्स के वीडियोस में देता रहूँगा, तो आप रेगुलर कमेंट करते रहें और बताते रहें मेरे को किस तरीके से अपडेट होना है, किस तरीके से अपडेट कर सकूँ मैं वीडियोस को और आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ ला सकूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।